करनाल के नगर निगम में हरियाणा के गब्बर गृह मंत्री अनिल विज का औचक निरीक्षण, अधिकारियों में मचा हड़कंप। विज ने मौके पर खंगाले नगर निगम के रिकॉर्ड, कमियां मिलने पर 4 अधिकारी किए सस्पेंड। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का करनाल नगर निगम में औचक निरीक्षण, जिससे हर तरफ हड़कंप मच गया। अनिल विज को नगर निगम में पहुंचा पाया देख निगम के सभी अधिकारी कर्मचारी मौके पर इकट्ठा हो गए और हर तरफ विज के निरीक्षण की चर्चा शुरू हो गई। विज ने अपने अंदाज में नगर निगम में रिकॉर्ड तलाशा, जिसमें अनिल विज को कई खामियां नजर आईं और खामियों को देखते हुए मौके पर 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। औचक निरीक्षण से हर तरफ कर्मचारी और अधिकारियों में भय बना हुआ था और अनिल विज बीच में एक के बाद एक दूसरे कमरे में जाकर अधिकारियों के टेबल के पास पड़ी फाइलें चेक कर रहे थे और साथ ही पता कर रहे थे कौन कौन ड्यूटी के समय हाजिर है और कौन गैर हाजिर। करनाल नगर निगम में कई तरह की खामियां पाई गई थी, जिसमें अनिल विज ने कहा कि लोग सालों से अपने काम की तलाश में आते हैं लेकिन यहाँ काम अटके पड़े हैं, कोई काम नहीं हो रहा, रिकॉर्ड बहुत खराब है, जिसके चलते आज यहां पर औचक निरीक्षण किया गया और 4 अधिकारी समेत एक चपरासी को अपना काम सही तरीके से ना करने को लेकर सस्पेंड कर दिया गया। नगर निगम में क्या हो रहा है मैं देख कर रहा हूँ, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जितना भी मैंने अभी तक देखा है पूरी तरह से यहां पर गैर जुम्मेराना काम हो रहे हैं और जनता की शिकायतों का निपटान तरीके से नहीं हो रहा। लोग साल साल से भटक रहे हैं और कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। म्युनिसिपैलिटी का मतलब होता है म्युनिसिपैलिटी, ये म्युनिसिपैलिटी शब्द से म्युनिसिपैलिटी बना है। म्युनिसिपैलिटी का अर्थ हुआ कि वो सब करना जो मनुष्यों के पालन के लिए आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा। इसलिए ना डार्क टाइम पे दी जा रही है, ना आने जाने का अपना कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, ना किसी फाइल के आने जाने का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, ना टाइम पर चिट्ठियाँ डिलीवर की जा रही हैं, ना उनका टाइम पर जवाब दिया जा रहा है। इसलिए मैंने कुछ लोगों को सस्पेंड किया है। कितने तक अभी तो करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री एमएलए हैं यहाँ से, तब ये हाल है तो उसके हालात दूसरी नगर निगम नहीं, मुख्यमंत्री जी यहाँ से एमएलए हैं वो ठीक बात है, लेकिन उन्होंने ही मेरे को लोकल बॉडी मिनिस्टर बनाया है और इनको डिप्टी डायरेक्टर अकाउंट्स ऑडिट ऑडिट ऑफिसर को किया है, एक एमई को किया है, एक पीएन को किया है। तो किस तरह की सर मैसेज क्या देना चाहेंगे जो भी विभाग क्या कार्रवाई होगी सर अन्य लोगों को भी? काम करें और जनता को परेशान ना करें। आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सर प्लीज आगे से ये माइक किस ईमेल आईडी कि रोजाना 11 से 12 बजे तक वो जनता दरबार लगाएं और लोगों की शिकायतें सुनें, क्योंकि हमारे पास हजारों में शिकायतें आ रही हैं। इसका मतलब कि उनका मैंने ये भी आदेश जारी किए हैं कि तमाम एसपी डीसीपी सीपी अपने क्षेत्र में पड़ने वाले थानों का नियमित तौर पर इंस्पेक्शन करें कि थानों में लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। नहीं, इसीलिए मैंने कहा है कि एसपी हर चौकी थाने की इंस्पेक्शन करें और उसका रोजनामचा मेंटेन करें कि क्या उन्होंने वहाँ पर देखा और क्या किया। और फिर अनिल विज है वो तो कहीं भी जा सकता है। सर एक गृह मंत्री क्या एक पानीपत में जो हॉस्पिटल है 5 मिनट का हॉस्पिटल है वहाँ पे गरीब गया था उसको वहाँ इलाज नहीं हुआ। अब ये लोकल प्रॉब्लम का सर नगर निगम करनाल